निकम्मी और नाकारा भाजपा सरकार ने 10 साल से एक बिजली का यूनिट भी हरियाणा में पैदा नहीं किया। 1200 मेगावाट के राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार पर ताला लगा दिया। हरियाणा के लोग बिजली की कमी से त्राहिमाम हैं और हरियाणा को जात पात में बांटने, टुकड़े टुकड़े करने से फुर्सत मिलती तो हरियाणा में बिजली उत्पादन, उद्योग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बीजेपी करती। तो आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। निकम्मी और नाकारा भाजपा सरकार ने 10 साल से एक बिजली का यूनिट भी हरियाणा में पैदा नहीं किया। नतीजा ये है कि पूरा हरियाणा आज भयंकर बिजली संकट से ग्रस्त है। खेत खलिहान से लेकर घरों तक बिजली की कमी से त्राहिमाम है। पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं, गांव और शहर जो हैं वहाँ इलाकों के अंदर बिजली नहीं और बंद पड़े बिजली प्लांट, ये सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। कुछ तथ्य मैं सिलसिलेवार आपके बीच में रखना चाहूँगा। 10 साल से भाजपा और उससे पहले भाजपा जजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। हरियाणा में आज के दिन सरकार ये मानती है कि 2000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कम उपलब्ध है और भाजपा सरकार ने अपने निकम्मेपन के चलते गर्मी के इस मौसम में बिजली खरीद की कोई प्रावधान नहीं किया और अब सरकार के खजाने को चूना लगाकर अनाप शनाप रेट पर बिजली खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। यह शासन और प्रशासन का टोटल फेलियर नहीं तो क्या है? दूसरा पहलू, नतीजा ये भी है कि आने वाले सालों में बिजली की समस्या और भयंकर हो जाएगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो हरियाणा सरकार का बिजली का कितनी बिजली चाहिए अनुमान लगाता है, उनका ये मानना है कि 2025-26 और 26-27 में बिजली की मांग जो है जो घटक कम होगी, जो कम बिजली हरियाणा में होगी वो लगभग 3000 मेगावाट है, यानी 3000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन ज़रूरत होगी और 37-38 तक ये 6000 मेगावाट हो जाएगी। पर असल क्या है, मेरा ये मानना है कि 2025-26 में ही 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली चाहिए और 27-28 तक, यानी उससे अगले साल तक, ये 3500 मेगावाट तक ज़रूरत पड़ेगी। पर 10 साल में एक यूनिट भी बिजली ना पैदा करने वाली भाजपा सरकार बेपरवाह भी है, लापरवाह भी है, निकम्मेपन और नाकारापन से ग्रस्त भी है। कैथल के पत्रकार ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं, हरियाणा में आखिरी बार बिजली उत्पादन कांग्रेस सरकार ने किया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि उस बिजली उत्पादन का मैं एक हिस्सा था बतौर बिजली मंत्री के। हमने क्या किया था मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा। 600 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में शुरू किया। 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में बनाया। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट का, जिसको झाड़ली वन झज्जर कहते हैं, वहां लगाया। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली टू प्राइवेट सेक्टर में 1320 मेगावाट का झज्जर में झाड़ली टू लगाया और 25 साल के लिए 2.92 रुपये फिक्स्ड पे, एक पैसा बढ़ नहीं सकता। मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है 1400 मेगावाट पावर बिजली खरीदी। सच्चाई ये प्रदेशवासियों के सामने है। 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। 1200 मेगावाट के राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार पर ताला लगा दिया। एक यूनिट बिजली नहीं बनती, हजारों करोड़ सरकार ने खर्चे।
1500 मेगावाट में इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्लांट था, आप जानते हैं ये NTPC जो भारत सरकार की कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट है, ये हमने उस समय फ़ायदा उठा लिया था क्योंकि दिल्ली को बिजली की ज़रूरत थी, उनके पास ज़मीन और वाटर लिंकेज नहीं थी। तो मैंने कहा कि आप ये दिल्ली बॉर्डर पर लगा लीजिए, आधी बिजली हमें दे दीजिए। तो हमने ज़मीन दी मुफ्त में, पानी की लिंकेज दी और आधी बिजली हमें मिल गई। खट्टर साहब ने साइन करके वो बिजली वापस दे दी, बोले हमें ज़रूरत ही नहीं। तो 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी, इधर 1200 मेगावाट का प्लांट बंद कर दिया, इधर 750 मेगावाट सेक्रीफाइस कर दी। तीसरा, जो 25 साल के लिए 2 रुपया 92 पैसे पे मुद्रा के अडानी पावर प्लांट से महेंद्रगढ़ में जो डिलीवर होती है, जो बिजली खरीदी थी, अब उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, क्योंकि 2 रुपया 92 पैसे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता रेट है बिजली का और वो बढ़ भी नहीं सकता 25 साल तक, तो अब उनसे इन्होंने बिजली ये लेते ही नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और बिजली नहीं लेते। वो उस बिजली को औने पौने दाम में एक्सचेंज में बेच रहे हैं, हरियाणा को नुकसान हो रहा है डबल। एक तो 2 रुपये 92 पैसे की बिजली नहीं मिलती, दूसरा वही बिजली हमें जाके एक्सचेंज में 12 रुपये 14 रुपये 15 रुपये पे खरीदनी पड़ती है, तो हमें तो डबल नुकसान होने लग रहा है। तीसरा, ये तीन बातें तो हुई, इसके साथ साथ एक बात और भी हुई, 750 मेगावाट का एक और पावर प्लांट यमुनानगर में लग सकता है। आपको पता है नदी के ऊपर परमिशन नहीं मिलती बिजली प्लांट लगाने की। मैंने यमुना के ऊपर भारत सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली, कोयले की माइन खरीद के हरियाणा सरकार को दी, एलोकेट करा के लाइन का प्रावधान किया, ज़मीन पड़ी है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लांट लगाना है। 10 साल में प्लांट नहीं लगाया खट्टर साहब ने या BJP ने या मौजूदा सरकार ने। अब 750 मेगावाट ज़मीन नहीं एक्वायर करनी, पानी लिंकेज नहीं चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए, तीनों करके दे रखी हैं कि कभी भी आप बिजली प्लांट लगा लो, नहीं लगाते। हाँ, 15 रुपये 14 रुपये 12 रुपये 10 रुपये पे बाहर से बिजली खरीद रहे हैं। नतीजा ये है कि हरियाणा के लोग बिजली की कमी से त्राहिमाम हैं और हम अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके अनाप शनाप रेट पे बिजली खरीद रहे हैं। अगर हम थर्मल पावर प्लांट चलाएं तो 3.5-3.5 रुपये तक बिजली बना सकते हैं, पर हम 10 रुपये वाली खरीदेंगे, 15 रुपये वाली खरीदेंगे, अपना प्लांट जो हज़ारों करोड़ से बनाया वो नहीं चलाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है? कारण बिल्कुल साफ है, 10 साल तक हरियाणा को जात पात में बांटने, टुकड़े टुकड़े करने से फुर्सत मिलती तो हरियाणा में बिजली उत्पादन, उद्योग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम BJP करती। 10 साल में हरियाणा वासियों को पोर्टल पोर्टल खेलकर जनता की ज़िंदगी को उलझाने व परिवार के सदस्यों को ID बनवाने, कभी प्रॉपर्टी ID, कभी फैमिली ID, उसकी लाइन में लगवाने से, चक्कर में डलवाने से फुर्सत मिलती तो फिर निवेश और निर्माण का काम करते। 10 साल में हरियाणा को 3 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबाकर अनाप शनाप तरीके से पैसा लूटने से फुर्सत मिलती तो बिजली घर, ITI, स्टेडियम, सड़कों का निर्माण करते। 10 साल में भाजपा व भाजपा जजपा सरकारों ने हरियाणा को केवल दिया जात पात का बंटवारा, भयमुक्त भ्रष्टाचार, भयंकर महंगाई, बेइंतहाशा कर्ज, बिकती नौकरियां, बेलगाम अफसरशाही, किसान, गरीब, युवा, महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबों पर अत्याचार, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार गिरता निवेश, डूबती अर्थव्यवस्था और पंगु शासन व गायब सरकार। इसलिए हम कह रहे हैं कि बदलाव का समय है।